नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वेलफेयर की नई और फ्रेश वीडियो में। सातवें वेतन आयोग की एक बड़ी सिफारिश हुई लागू, भत्ते में हुई 3,000 रुपये तक की बढ़ोतरी, 1 जुलाई 2017 से मिलेगा एरियर का लाभ। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी लेटेस्ट खबर निकल के आ रही है, तो फटाफट से देख लेते हैं इस बड़ी खबर को। इससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको हमेशा मिलती रहेगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रेवेंसेज पेंशनर्स के द्वारा ये लेटेस्ट प्रेस रिलीज जारी की गई है 26 जून 2019 को। चाइल्ड केयर अलाउंस फॉर दिव्यांग वुमेन, जी हाँ दोस्तों, दिव्यांग महिलाओं के लिए बाल देखभाल भत्ते के बारे में प्रेस रिलीज जारी की गई है। सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के परिणाम स्वरूप विकलांग महिलाओं के लिए विशेष भत्ते की दरों को बाल देखभाल के लिए प्रति माह 1500 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। दोस्तों, जो बच्चे के जन्म के समय से देय होगा जब तक बच्चा 2 साल का नहीं हो जाता। यह विशेष भत्ता अधिकतम 2 बड़े जीवित बच्चों के लिए देय होगा और संशोधित वेतन संरचना पर महंगाई भत्ता 50% से ऊपर जाने पर हर बार अपने आप 25% बढ़ जाएगा। दोस्तों, तो जो भी हमारे विकलांग महिला कर्मचारी हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी खबर है दोस्तों, और इसका लाभ आपको 1 जुलाई 2017 से ही प्रभावी होगा, यानी कि 1 जुलाई 2017 से इसका एरियर दिया जाएगा और यह सभी केंद्र सरकार के विकलांग महिला कर्मचारियों के लिए लागू होगा, चाहे वो किसी भी राज्य में पोस्टिंग हो। तो दोस्तों, दिव्यांग महिला कर्मचारियों के लिए काफ़ी लेटेस्ट खबर है कि बाल देखभाल भत्ते को 1500 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये कर दिया गया है, चाहे वो किसी भी राज्य में पोस्टिंग हो। यह सभी केंद्रीय महिला कर्मचारियों के लिए लागू होगा दोस्तों। तो ये थी एक बड़ी अपडेट, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।